कन्या की तीसरी बात है कि यदि आप परिवार की रक्षा परिवार का भरण पोषण उसमें आप पशुओं का पालन पोषण करें तो मैं आपकी बा मांग में आऊँगा। कन्या ये तीसरा बात है, कन्या कहती है चौथा है यदि आप आए गए और धान्य को भर कर गृहस्थी को संभालो तो मैं आपकी बा मांग में आऊँगा। फिर चौथी बात है यदि देवालय बाग कूप तड़ाग बावली आदि बनवाकर आप पूजन करो तो मैं आपके बा मांग में आऊंगी। ये पांचवी बात है। छठवा है कौन था ये कौन थी बाग में देवताओं का स्थान ये देवता है सारे अच्छा अच्छा हाँ हाँ बाग करेंगे ना कुआ कुआ है ना बावली ये सब आप बनवाएं जन कल्याण की जो चीजें हैं हाँ, वो आप उसको करवाएं यदि तो मैं आपके बा मांग में आऊंगा। फिर पांचवा है यदि छठवा है यदि आप अपने नगर अथवा किसी और शहर में जाकर वाणिज्य व्यापार करो तो मैं आपके बा मांग में आऊंगा। धन अर्जन के लिए बिना धन से गृहस्थ जीवन नहीं चलता। धन अर्जन के लिए अपने को घर से तो निकलना पड़ेगा तो वो सबसे है। फिर उसके बाद है यदि आप किसी पराई स्त्री को स्पर्श ना करें तो मैं आपके बा मांगने आऊंगी। ऐसा करने के बच्चे ये इसको वो कर दीजिए सभी को नहीं ये इसको आप नहीं आप आप करेंगे ये आसन नीचे नहीं इसको मिला स्वीकार है करके स्वीकार है ये आपकी सारी शक्तियाँ स्वीकार है स्वीकार। फिर पुरुष के भी कुछ वचन कल्याण में नियम जरूरी है सही बात कुछ आप हमारी माने हम कुछ आपकी माने वो है इसमें कि आपने माना अब इनकी सारी शर्तों को आपने कुछ शर्त माने तो पहला है उसमें वर के पांच शर्तें हैं कन्या की सात शर्तें हैं वर के पांच शर्तें वर के हैं कन्या के लिए कि ठीक है जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद शरीर में उबटन श्रृंगार मतलब तेल लगाकर छोटी गुथो सामाजिक उत्सव में जाओ देवताओं के दर्शन करो फिर हंसी मजाक करो पराए घर जाओ पर जब मैं घर पर न रहूं परदेश में रहूं तब इन सभी बातों से मैं मोड़ लेना होगा। ये शर्तें हैं है ना कर सकती है विष्णु देखिए दूसरी बात दूसरा है विष्णु अग्नि सफरजन बनी जाओ ब्रह्मा प्रजाति भाई बंधु और पांचवे ध्रुव तारा ये सब मेरे साक्षी हैं। पहला विष्णु अग्नि ब्राह्मण और स्वजाति भाई बंधु सब लोग जो बैठे हैं ये सारे अपने आपके दोनों को गृहस्थ जीवन के साक्षी कहलाए। हमारे चित्त के अनुसार चित्त रखना हमारी मनसानुसार चलना मतलब जो जैसा यानी दोनों को विचार मिलना चाहिए कहने का मतलब ये है उनके भी कुछ ओपिनियन हो मेरे भी हो दोनों के रिस्पेक्ट हाँ हाँ बिल्कुल हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना इस प्रकार में पतिव्रत धर्म का पालन करना। तीसरा है मुझे किसी प्रकार संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। हे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली यही मेरी आज्ञा का पालन होगा बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो अब तुम मेरी बावांगी बनो। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञानुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मानूंगा। स्वीकार है।